मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बस और टैंकर की भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बस पलट गई और सड़क किनारे खड़ी महिला की चपेट में उस बस ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी बाधित हुआ है। जानकारी के अनुसार हादसा कटनी जिले में कुठला थाना क्षेत्र के टिकरिया ग्राम का बताया जा रहा है। लोगों ने बताया कि कटनी से रीवा जा रही बस को एक तेज रफ्तार टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी जिससे अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस पलटते हुए सड़क किनारे खड़े एक परिवार के ऊपर आ गई। इससे टिकारिया में रहने वाली ज्योति चौधरी की मौत हो गई। वहीं उसका पति ओम प्रकाश और बच्ची मीनाक्षी घायल हुआ है। हादसे में अन्य 2 लोग भी जख्मी हुए हैं। आसपास के लोग चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 वाहन से जिला अस्पताल भिजवाया।